चलो बेटा क्लास 11 मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो कल आपको दिखाई गई थी और उसमें डिग्री एंड ऑर्डर आपको बताए गए थे, साथ साथ में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ बनाना सिखाई थी, कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आपको मैंने कराए थे। आज मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कि उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए उसमें कई टाइप होते हैं, किसी भी टाइप से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि इस टाइप से भी आ सकता है कि dy / dx = fx, या हो सकता है कि dy / dx = fy, और भी कई सारे पैसे इस टाइप के। अगर मैंने ये फर्स्ट टाइम ही लिया, मान के चलिए ये फंक्शन है, अब आपको dy / dx दे रखा हो और सामने दे रखा x के फॉर्म में या फिर y के फॉर्म में, अगर आपके पास x की फॉर्म में दिया है तो जो आपका dx है वो आप कन्वर्ट कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में, यानी dy / fx and dx, एंड बोथ साइड आर इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और इस fx का आप इंटीग्रेशन कर देंगे, एंड प्लस c जो c की कॉन्स्टेंट की फॉर्म में आएगा। अगर कोई वैल्यू है आपके पास x की और y की वैल्यू दे रखी है और y की आपके पास वैल्यू दे रखी है, क्योंकि x और y की फॉर्म में आपके पास वो फंक्शन बन के आएगा, तो आप वहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर देंगे और c की वैल्यू उसके बाद इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, तो आपके पास सॉल्यूशन कम्प्लीटली फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास y की फॉर्म में दे रखा है, तो आपने जब y की फॉर्म में दे रखा हो तो आप याद रखिएगा कि y को dy के साथ में y होगा और dx के साथ में fx होगा, और dy / fy और इज इक्वल टू आपका डी है, एंड बोथ साइड आर इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी हो तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और कॉन्स्टेंट वैल्यू को पुट अप कर देंगे। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। dy / dx एक एग्जांपल है जो आपके लिए मिला है, dy / dx इस टाइप का, और सामने लिखा हुआ है x / x स्क्वायर + 1, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि dx n ओनली फॉर x के फॉर्म में है, तो dy इक्वल है x and x स्क्वायर + 1 and dx, एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी डी इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ x / x स्क्वायर + 1 एंड dx, इसका करेंगे तो आ जाता है y आता है, इसका करेंगे तो पूरे को लेट करेंगे t, यानी x स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू t, और 2x dx इक्वल है dt, इंटीग्रेशन आपने किए रखें एंड dx इक्वल टू dt / 2, तो आप जब इसको करेंगे फॉर्म में तो dt / 2 आएगा, तो आपको डायरेक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डायरेक्ट आप करते हैं यानी 1 / 2 log, इसको आपकी मान के चलेंगे तो डायरेक्ट अगर मैं कर देता हूँ 1 / 2 log x स्क्वायर + 1 n + c। अब देखिए अगर यहाँ पर जब x और y की वैल्यू पुट होती है, पुट अप करने के बाद मैं c की वैल्यू फाइंड कर लेता, और c की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैं आपके पास डायरेक्ट हूँ, अभी आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से, y इक्वल टू log x स्क्वायर + 1 + 2c, बड़ा कैपिटल है कर सकते हैं आप, 2y इक्वल है log और x स्क्वायर + 1 और ये आपका हो गया प्लस c के c, आप इस फॉर्म में भी फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस फॉर्म में ये कन्वर्ट करें, क्लियर। तो इस टाइप के कई सवाल थे, इसमें जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल और करा रहा हूँ, हो सकता है ये नॉर्मली ना आ सके और ई की फॉर्म में आया, तो देखिए ई की फॉर्म में आपको एक सवाल करा था, स्क्रीनशॉट लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए ई की पावर डी वाई एक्वल है और इक्वल में दिया हुआ है x प्लस 1, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है y 0 इक्वल टू 5, क्लियर, यानी y 0 इक्वल टू 5 आपको यहां कंडीशन दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले चीज ये dy / dx को भी
नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर है। इसको लीनियर बनाने के लिए कोस साइड आर लॉग टेक ऑफ कोस साइड लॉग जब मैं लॉग लगवा रहा हूं लॉग e की पावर d by upon dx एंड लॉग x प्लस 1 जब लॉग की पावर आ रही है d by upon dx एंड मल्टीपल ऑफ लॉग e एंड लॉग x प्लस 1 एंड लॉग e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सो दैट d by upon dx आपके पास नॉर्मल फंक्शन हो गया और ये पूरा फंक्शन x की फॉर्म में है। तो जब हम dx को पहुंचा देंगे d by equal to log x प्लस वन एंड टेक ऑफ कोस साइन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस वन। तो आप सॉल्व करेंगे तो जो जाएगा y इक्वल टू वन अपॉन x प्लस वन। ठीक है, अब x प्लस वन का तो आप जानते हैं टोटल हिस्सा x से तो वन का मल्टीप्लाई करके करेंगे। ठीक है, तो log x प्लस वन एंड वन का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन एंड कंप्लीटली इंटीग्रेशन एंड log x log x प्लस वन माइनस वन अपॉन x प्लस वन एंड मल्टीपल ऑफ x एंड dx dy x log x प्लस वन एंड x प्लस वन माइनस x एंड माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय x प्लस वन dx y x log x प्लस वन ये आपका हो गया वन माइनस के वन अपॉन x प्लस वन एंड dx एंड y इक्वल टू x log x प्लस वन एंड माइनस के वन का इंटीग्रेशन x और माइनस माइनस प्लस इसका हो गया अपन log x प्लस वन एंड प्लस c। यह आपका पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ इसको लिखा हुआ है y इक्वल टू तो 5 एंड 0 यानी x की वैल्यू को पुट अप किया जाता है यानी y x के फॉर्म में। यहाँ पे आपकी जो x होगी वो तो 0 होगी और y जो है वो 5 का वैल्यू पुट अप करेंगे तो पुट अप द वैल्यू ऑफ x एंड y तो 5 इक्वल देन 0 एंड मल्टीपल ऑफ log 0 प्लस 1 माइनस 0 एंड log 0 प्लस 1 एंड प्लस ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी तो आपके पास जो आपकी वैल्यूज आएगी यानी c की जो वैल्यू है वो 5 आएगी और पुट अप द इक्वेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ c इक्वेशन 5 तो आपकी जो नॉर्मल इक्वेशन हो क्या आएगी यानी कि y इक्वल है x log x प्लस 1 माइनस x एंड प्लस a x प्लस 1 एंड प्लस 5। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है डिफरेंशिएशन इक्वेशन का इसका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास x और y की वैल्यू पुट अप है तो आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं नहीं तो आप ओनली और c के फॉर्म में ही इसे कन्वर्ट। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल स्क्रीनशॉट लीजिए। जब dy upon dx is equal to जो है या तो fx होगा या फिर fy। मान के चलिए fx और fy दोनों हुए तो क्या करेंगे यानी कि एक फंक्शन x के फॉर्म में और दूसरा फंक्शन y के फॉर्म में यानी dy is equal to dx is equal to fx and upon gx के फॉर्म में हो सकता है
या फिर फंक्शन इस टाइप से हो सकता है, यानी कि एक फंक्शन हो सकता है dy upon dx is equal to fx dy, या हो सकता है इस टाइप से हो कि dy upon dx is equal to gy upon fx, यानी कि कन्वर्ट करना, सेपरेट करना है fx के साथ में dx एंड y वाले के साथ में फंक्शन dy, यानी किसी भी फॉर्म में आए, चाहे डिवाइड आए, चाहे रूट टू आए, प्रोडक्ट में आए, कैसे भी करके यानी ये फंक्शन होना चाहिए। और एग्जांपल यानी जिस टाइप में देखिए आपका जी एक्स है और ये आपके वाई के फॉर्म में है, तो डी वाई के साथ में तो आपका जी एक्स हो जाएगा, यानी जी वाई एंड डी वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड डी एक्स। तो हम इसे कंटर सॉल्व करेंगे, आगे इंटीग्रल करेंगे, अगर इस फॉर्म में हुआ तो डी वाई अपॉन जी वाई इक्वल एन एफ एक्स एंड डी एक्स, तब इसे हम कन्वर्ट करेंगे। अगर ये फॉर्म में हुआ तो आपका डी वाई अपॉन जी वाई एंड डी एक्स अपॉन एफ एक्स, तब इस फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, यानी कि डी वाई के साथ में हमेशा वाई वाला फंक्शन और डी एक्स के साथ में हमेशा एक्स वाले फंक्शन को हम कन्वर्ट करके ही सॉल्यूशन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखिए इसके। देखिए एग्जांपल है sec स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले रहा हूँ, पॉलीनोमियल में नहीं ले रहा हूँ, इसकी और लेंथ भी। तो देखिए एक एग्जांपल है sec स्क्वायर x tan y dx एंड प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल है। तो पहले तो उसको सेपरेट कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन को भी डिवाइड अपॉन dx इसका फॉर्म में बना चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चन को तो पहुंचा दो, तो ये होगा आपका sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल है नेगेटिव फॉर्म sec स्क्वायर x tan y एंड dx। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन dx माइनस का sec स्क्वायर x tan y अपॉन sec स्क्वायर y एंड tan x। ठीक है, तो देखिए ये वाले पोर्शन तो x के हैं और ये वाले y के, dy के साथ में पहुंचा देंगे तो जो आपका sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy और माइनस के sec स्क्वायर x tan x एंड dx, अब वो सारा आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ के sec स्क्वायर y tan y dy माइनस ऑफ sec स्क्वायर x tan x एंड dy। अब देखिए यहां पे आपको मैं डायरेक्ट फंक्शन को इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, जब मैं tan y को t मानता हूँ तो sec स्क्वायर d y जो है वो dt में चलेगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1 log tan y। तो इसके साथ साथ एक कंडीशन और मैं ध्यान निकल के आ रही है, इस वाले को डायरेक्ट लिखेंगे हम log tan x नेगेटिव फॉर्म, और चूंकि आपके पास जो c आएगा वो भी चूंकि जिस फॉर्म में हमारे पास फंक्शन दोनों आ रहे हैं, हम ज्यादातर उसी फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट करते हैं उस कांस्टेंट वैल्यूज को, यानी log tan y लिखा हुआ है या log tan x लिखा हुआ है, तो ये दोनों log log की फॉर्म में आए तो सीधा वाला है ये भी log c की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आपको उसको चेंज कर दीजिए, इस वाले को पहुंचा दीजिए, तो log tan y n प्लस log tan x is equal to log c, और log की फॉर्म से log tan y upon tan x is equal to log c, तो आप अपना log
हटा भी सकते हैं इंटू टॉप लेके, यानी टेन वाई अपॉन टेन एक्स और ये प्लस का आएगा यानी लॉग टेन वाई प्लस टेन एक्स इक्वल टू लॉग टेन सी एंड लॉग का दाने पर ये टेन वाई प्लस टेन एक्स इक्वल टू सी। इस फॉर्म को भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म, ये आपका फॉर्म टेन एक्स एंड टेन वाई इक्वल टू सी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। जैसा कि उस टाइम में एक बार जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन हो, तो देखिए आपके पास रखा हुआ वन प्लस वाई स्क्वायर एंड वन प्लस लॉग एक्स, एंड डीएक्स एंड प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। यही फॉर्म कन्वर्ट करने वाली जो आपने बताई थी, वन प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस लॉग एक्स dx इक्वल है माइनस के x dy। तो आपका वन प्लस देखिए आप y वाला फंक्शन x वाले फंक्शन के सामने बता देंगे, यानी कि वन प्लस log x अपॉन x dx इक्वल है माइनस के वन अपॉन वन प्लस y स्क्वायर n dy। जब को आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन किसका निकालना है, x स्क्वायर एंड वन एंड y इक्वल है वन, जहाँ एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन में दे रखी है वन। अब देखिए वो सारा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कर दिएगा, तो यहाँ पर आप इसको टी लेंगे लेट ऑफ वन प्लस लॉग एक्स इसको टू टी, तो आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए जीरो वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और जब आपका डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा यानी टी डी टी, और इसका इन्वर्स होता है सीधे सीधा फार्मूला यानी टेन इन्वर्स है एक्स एन प्लस, क्योंकि ये टेन इनवर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा डायरेक्टली, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस के टेन इनवर्स एक्स एन प्लस सी, और टी की वैल्यू आपको कब कर दीजिए, टी आपने कट किया था वन प्लस लॉग एक्स एन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं है वाई फॉर्म में है, एंड टेन इनवर्स वाई अपॉन टू एंड इसको इधर पहुंचा देंगे तो वन प्लस हो जाएगा यानी टेन इनवर्स वाई इक्वल है सी। तो देखिए x इक्वल वन एंड y इक्वल है वन प्लस करने पर क्या वैल्यू पॉइंट होती है, वन प्लस log वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एंड प्लस टेन इनवर्स वन एन इक्वल टू सी। तो देखिए यहाँ पर log वन की वैल्यू जीरो होती है तो वन अपॉन टू का होल स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन फोर एंड टेन इनवर्स वन की जो वैल्यूज होती है वो फाइव बाई फोर होती है एन इक्वल एन सी, और सी पर है आपका पाई प्लस वन एन डिवाइडेड बाय फोर। ये आपकी सी की वैल्यू पता हो गई, सी की वैल्यू पता कर दी जाए आपको क्वेश्चन में, तो वन प्लस लॉ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी ये टू एलजेड एन पर टू पाई यानी वन प्लस टू, और आपका प्लस टेन इनवर्स वाई और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई प्लस टू अपॉन फोर, और कंप्लीटली पाई की फॉर्म में निकालना है तो इसे नंबर ले रहा हूँ इधर देखिए, ओके हमेशा टेन जो फंक्शन है वो इनवर्स की फॉर्म में नहीं होगा, तो आप इधर पहुंचा देंगे तो टेन इनवर्स वाई पाई प्लस टू अपॉन फोर माइनस वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वाई और इस पर टू जाकर वाई टेन, और ये पूरा फॉर्म जो है वो पाई प्लस टू अपॉन फोर एंड माइनस के
वन प्लस लॉग एक्स अपॉन होल स्क्वायर अपॉन टू कंप्लीटली टेन की फॉर्म में, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।